दोस्तों, अगर आप सस्ते में एक गेमिंग स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो जहां पर आप फ्री फायर खेलना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। Realme सी सीरीज का एक नया स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च कर रहा है जिसका लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। Realme C30 इसका टीजर भी फ्लिपकार्ट में आ चुका है और इस फोन का प्राइस होने वाला है 6 से 7 हजार के आसपास और ये फोन एक गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। तो इस फोन में क्या कुछ फीचर्स दिया जा रहा है, कब इंडिया पे लॉन्च हो रहा है, डिजाइन वगैरह कैसा है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। Realme का C सीरीज जो है सस्ते में हमें हमेशा एक बेटर फीचर्स प्रोवाइड करता है और मेरे ख्याल से Realme C30 जो है इस साल का सबसे सस्ता वाला फोन रहने वाला है Realme का, जहां पर आपको गेमिंग चिपसेट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले डिजाइन के मामले में बात करते हैं दोस्तों। इस फोन का बैक पैनल नोटिस करिए, आपको 2-3 कलर में मिलेगा। यहां पर आपको सिंगल रियर कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह नहीं है, Realme का ब्रांडिंग है, थोड़ा सा टेक्सचर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहां पर डिजाइन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अब चलिए जानते हैं यहां पर इस मोबाइल में क्या कुछ फीचर्स मिलने वाला है और कब लॉन्च हो रहा है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। 6.58 इंच का आसपास एक FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया जा सकता है। यहां पर आपको IPS LCD पैनल मिलेगा 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये हो गया डिस्प्ले। मेरे ख्याल से प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्प्ले ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पर चिपसेट काफी अच्छा दिया जा रहा है। यूनिसोक का एक गेमिंग चिपसेट आप कह सकते हैं, यूनिसोक T612 ये वाला चिपसेट जो है इससे पहले इंडिया पे आप देख चुके हैं और यहाँ पर आप फ्री फायर वगैरह अच्छे से खेल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर आपको 5000 mAh का बैटरी भी दिया जा रहा है और मेरे ख्याल से ये बैटरी इनफ है और अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो भाई 2 दिन आराम से चल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर 10W का चार्जर मिलेगा टाइप सी पोर्ट के साथ और दोस्तों यहां पर 13 MP का जो मेन सेंसर दिया गया है, मतलब सिंगल सेंसर दिया गया है जो 13 MP का है और इसी के साथ यहां पर जो सेल्फी कैमरा है दोस्तों वो 5 MP का सेल्फी कैमरा आपको यहां पर मिलने वाला है। तो यहां पर कैमरा उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, ओके ओके सा कैमरा मिल जाएगा। साथ में ये जो फोन है आपको 2 वेरिएंट में इंडिया पे मिलने वाला है, 2GB RAM 32GB इंटरनल स्टोरेज, 3GB RAM 32GB इंटरनल स्टोरेज, ये 2 वेरिएंट में इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा। और जो फीचर्स वगैरह देखने को मिल रहा है दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलेगा। तो यहां पर जो फीचर्स वगैरह है उस हिसाब से मेरे ख्याल से प्राइस तो होना चाहिए 7000 के अंदर, यानी 6 से 7 हजार के बीच में। और यहां पर दोस्तों ये फोन आपको 20 तारीख को इंडिया पे देखने को मिलेगा, मतलब 20 तारीख को फ्लिपकार्ट में लॉन्च किया जा रहा है। टीजर में जो डेट है वो मेंशन हो चुका है। बाकी जो फीचर्स वगैरह है वो उतना कुछ खास नहीं है, बट गेमिंग चिपसेट दिया गया है, मतलब नॉर्मल सा गेमिंग चिपसेट है जहां पर आप गेम खेल सकते हैं फ्री फायर वगैरह। बट ओवरऑल जो फीचर्स है उतना कुछ खास नहीं है, बट प्राइस भी बहुत ही कम होने वाला है मेरे ख्याल से। देखते हैं 20 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, जो डिजाइन है, जो फीचर्स है, उस हिसाब से प्राइस कितना होना चाहिए कॉमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब मास्ट कर लेना, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल में रेगुलर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, टेक केयर।